हेलो भाइयों, और सब कैसे हैं? इसलिए हमने पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ लाइक भी आए और लगभग 100+ व्यू हो चुके हैं, उसके लिए सबको धन्यवाद। और जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था सभी को कि हम जल्द ही यूट्यूब पे अपना मैथ का क्लास शुरू करने वाले हैं, तो अब आज से हम यूट्यूब पे मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, संख्या पद्धति, जो कि सबसे बेसिक है और जानना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो या एकेडमिक पढ़ रहा हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, कहीं भी ये नंबर का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर के बारे में जानेंगे। एक्चुअली नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर संख्या ग्राफ है, एक होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। तो एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पहले देख लेते हैं क्या है। इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, काल्पनिक संख्या, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे √-1, √-1, √-2। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को डिनोट आयोटा के द्वारा करता है, आयोटा को आई से, आयोटा का संकेत आई है जिसका वैल्यू √-1 होता है। ठीक है, और जब दोनों संख्याओं को साथ में मिलाकर लिखते हैं ना, जब दोनों संख्याओं को साथ में मिलाकर, जैसे रियल नंबर 2 और इमेजिनरी नंबर i 3, ठीक, तो ये जो पूरा का संख्या वो मिश्रित संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित संख्याएं कहलाती है। ठीक, उसके बाद आता है रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्या है जिसे P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और पी और क्यू पूर्णांक होता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, ये सब बट्टा के फॉर्म में नहीं आता है कभी भी, तो इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या है। अब आता है परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या को फिर से दो भाग में बांटते हैं हम लोग, एक पूर्णांक में इंटीजर्स में, दूसरा भिन्न फ्रैक्शन में। पूर्णांक में जैसे कि -4, -3, -2, -1, ये सब पूर्णांक है, पूर्ण संख्या एक तरह से, पूर्ण है अपने आप में। ठीक, तो उनको इंटीजर्स करते हैं पूर्णांक, और जो P/Q के फॉर्म में रहेगा उसको भिन्न कहते हैं, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक, उसके बाद पूर्णांक को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं, एक पॉजिटिव मतलब धन पूर्णांक, दूसरा शून्य, तीसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? 1, 2, 3, 4 जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, और ऋण शून्य तो शून्य, और ऋण पूर्णांक जो 0 से कम हो, -1, -2, -8, -11, -86 कुछ भी होता है वो ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, जिसको नेगेटिव संख्याएं हम लोग बोलते हैं, ऋण संख्याएं। धन, एक्चुअली धन पूर्णांक को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रकृत संख्या कह सकते हैं। प्रकृत संख्या क्या होती है? कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती हम लोग 1, 2, 3, 4, और धन पूर्णांक भी हमारा 1 से ही शुरू होता है। तो गिनती की संख्या जो प्रकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, वही हमारा धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक में हम अगर 0 को सम्मिलित कर लेते हैं ना, तो इससे ये पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर। धन पूर्णांक में 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगी। अब प्रकृत संख्या जो है, गिनती की संख्या, उसको दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, एक सम संख्या इवन नंबर, दूसरा विषम संख्या ऑड नंबर। ठीक, तो सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जो विषम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 11, 15, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? तो ये सब विषम संख्याएं हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रकृत संख्या के बारे में जानते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे, जैसे प्रकृत संख्या। ठीक है, प्रकृत संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब प्रकृत संख्या से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देता है
कि 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा। पूछ दिया 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होगा, या पूछ देगा 1 से लेकर 20 तक का सबको जोड़ेंगे प्रकृत तक, या पूछ देगा प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो प्रकृत संख्या को प्रथम एन प्रकृत संख्या का योग बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था 1 से 50 तक का, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना है 50, तो 1 से 50 तक का योग हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2 प्रकृत संख्या, तो एन की जगह 50 इंटू 50 प्लस 1/2 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 50 को, 25 मरतबे, और यहाँ 25 × 51 ठीक, और गुना कर देंगे, गुना करके कितना आएगा, जितना आएगा गुना कीजिए 25। देखिए गुना करने के लिए सबसे आसान है 50 को 51 को 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तोड़ 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125, 1 0 का 1 0 प्लस 25 आ जाएगा 12 75 ठीक। तो गुना करना ये सब हम लोग तोड़ के कोई भी संख्या को आराम से गुना कर सकते हैं। इसी तरह पूछेगा प्रथम 20 प्रकृत संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। प्रथम 20 प्रकृत संख्या का योग कितना होगा, तो हमको पता है कि n प्रकृत संख्या, n प्रथम n प्रकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 20, तो रख देंगे n इंटू एन प्लस 1/2 होता है योग, तो n का वैल्यू 20 रख देंगे, 20 इंटू 21/2 दो से कट जाएगा 10 मरतबे आ जाएगा 210 ठीक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए, ठीक, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद आता है, अगर पहले तो प्रकृत संख्या दे दे, अब दे देता एक क्वेश्चन ऐसे दे दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके 10 का स्क्वायर तक दे दे। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 10 तक तो प्रकृत संख्या है, लेकिन साथ में क्या है, स्क्वायर वर्ग भी है, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि प्रकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रकृत संख्या के वर्गों का योग, तो प्रकृत संख्या के वर्गों का योग होता है प्रकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 ठीक। तो ये प्रकृत संख्या के वर्गों का योग होता है। तो अगर हम इसमें कहाँ तक है दिया हुआ, 1 से लेकर 10 तक, अगर n का वैल्यू हम 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 × 10+1/6 बराबर कितना जाएगा, 10 × 11 × 10 × 20 = 21/6 3 × 6 = 27 2 × 5 = 10 आ गया, 5 × 11 × 7 गुना करेंगे तो 55 × 7 7 × 5 = 35 3 × 7 = 35 = 38। तो 1 से लेकर 10 तक के प्रकृत संख्या के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 385 ठीक। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से दे, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है,
ऐसे ही करते करते गया है 20 के स्क्वायर तक, ठीक। इतना का योग क्या होगा, ठीक है, इतना का मान क्या होगा या इतना का योग क्या होगा, तो हमको पता क्या, प्रथम n मतलब एक से लेकर 20 तक का रहता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, वर्ग का, तो n इंटू, ये वर्ग है 11 12 13 14 सबका वर्ग है और 20 तक का है। अगर 1 से 20 तक रहता, 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा कर कर रहता 20 का स्क्वायर तक, ठीक। तो हम लगा देते हैं क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 लगा देते, ठीक। लेकिन है कहां से हमारा शुरू हुआ है, शुरू हुआ 11 से, ठीक, और यहां हम कहां से लिए हैं, पूरा 1 से ले लिए हैं, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिए हम, ज्यादा 1 से लेकर 10 तक एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ठीक। अगर 10 तक जैसे यहां आ जाएगा कहें पर, यहां पर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ऐसा करके 20 का स्क्वायर आ जाता, तो हमको जोड़ना तो एक्चुअली इतना बोल रहा है ना, हम लोग 1 से 20 तक का पूरा यहां तक जोड़ लिए हैं इसमें, ठीक। शुरू में अगर लिखते तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 20 गुने 2 प्लस 1 बटा 6, ये हम ले लिए कहां तक का, 1 से 20 तक का, ठीक। और निकालने को ना कहां बोल रहा है, 11 से 20 तक का, मतलब 1 से लेकर 10 तक का हमको घटाना पड़ेगा तभी ना इतना बचेगा, ठीक। तो हमको इसमें से घटाना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक का वर्गों का योग, तो 10 तक में n कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक। तो n 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 दूने 2 इंटू n 2 गुने 10 प्लस 1 बटा 6, ठीक। पहले 20 तक का निकाल दिए, ठीक, उसमें से 10 तक का घटा दिए, तो हमको 11 से लेकर 20 तक का मिल जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 20 गुने 21 गुने 20 गुने 40 एक 41 बटा 6 माइनस 10 गुने 21 गुने 20 10 गुने 20 एक सॉरी 10 गुने 11 गुने 10 प्लस 1 11 गुने 10 गुने 20 एक 21 बटा 6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 3 से कट जाएगा 2 मरतबे और 3 से 7 मरतबे, ये 10 मरतबे कट जाएगा, ठीक। वैसे ही ये भी 3 से 2 मरतबे, ये 3 से 7 मरतबे, 2 से ये कट जाएगा 5 मरतबे, गुना करेंगे 10 दाएं को 70 और 7 के कम से कम 7 चौक 28 280 2870 में से क्या घट जाएगा, 385 क्या आ जाएगा, 5 8 4 और 2 2485। तो अगर हमको कहीं से बीच से भी दे देगा तो हम एक से लेके पूरा जहां तक का दिया वहां तक का निकाल लेंगे और फिर यहां जहां से शुरू करें जैसे 11 से शुरू किया तो 1 से 10 तक का इसमें से घटा देंगे तो हमारा 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर का योग निकल गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप लोग बना के देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस ऐसे बढ़ते गया 100 तक, ठीक है, का मान निकालें, मान निकालें, ठीक है। ये प्रकृत संख्या है, कैसे करेंगे, 1 से लेकर 100 तक का निकाल लेंगे जोड़, ये वर्गों का योग नहीं है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक का निकाल लेंगे और उसमें से 1 से 50 तक का घटा देंगे तो हमारा इतना का योग निकल जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं प्रकृत संख्या के घनों का योग, प्रकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है, इसके बराबर, इसका बराबर है एन इंटू एन प्लस वन बटा टू का होल स्क्वायर, ठीक। एन इंटू एन एन इंटू एन प्लस वन बटा टू का होल स्क्वायर होता है किसका, प्रकृत संख्या के घनों का योग के बराबर, ठीक। तो इस पर अगर क्वेश्चन दे दे कि बताएं 21 का क्यू प्लस 22 का क्यू प्लस 23 का क्यू प्लस ऐसे करते करते चल जाए 30 का क्यू, ठीक, इसका मान कितना होगा, मान कितना होगा। अब देख रहे हैं कि हम लगातार संख्या 21 22 23 24 25 ऐसा करते करते कहां तक है, 30 तक। तो अगर हमको पता है प्रकृत संख्या के घनों का योग,
एन इंटू एन प्लस वन बटा टू, तो हम कहां से निकाल लेंगे, एक का क्यू प्लस दो का क्यू करते करते तीस का क्यू तक, ठीक बीच में आएगा कहां, बीस का क्यू प्लस इक्कीस का क्यू, ऐसे करते करते तीस का क्यू। तो हम पहले एक बार पूरा का निकाल लेंगे, ठीक उसमें से एक से लेके बीस तक का घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, इक्कीस से लेके तीस तक का ही बच जाएगा। तो जब पता है हमको एक से लेके तीस तक का कितना होगा, एन इंटू एन प्लस वन, तीस इंटू तीस प्लस वन बाई टू का पूरा का पावर दो, में से कहाँ, ये तो तीस तक का निकाल लिया, हमको घटाना कहाँ तक का पड़ेगा, एक से लेके बीस तक का। तो बीस तक का क्या होगा, बीस इंटू बीस प्लस वन बटा टू का होल स्क्वायर, ठीक सॉल्व कर लेंगे, ये पंद्रह से कट जाएगा, और यहां ये 10 से कट जाएगा, कितना बचा 15 इंटू 31 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो हमारा 21 से लेकर 30 के तक के घनों का योग हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बस प्रकृत संख्या पर हो गया, प्रकृत संख्या पर इतने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं सम संख्या, ठीक। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जैसे दो चार छः दस पचास अस्सी सौ एक हज़ार, ये सब दो से पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष रिमाइंड, कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगा, ठीक। अब आते हैं, जैसे प्रकृत संख्या का योग दे सकता है, प्रकृत संख्या के वर्गों का योग दे सकता है, वैसे प्रकृत संख्या घनों का योग दे सकता है, वैसे ही सम संख्या का योग पूछ सकता है, या सम संख्या के वर्गों का योग पूछ सकता है, या सम संख्या के घनों का योग पूछ सकता है। सम संख्या क्या होती है, दो चार छः ऐसे ही चलते रहती है, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, तो पूछेगा ऐसा रहता, दो प्लस चार प्लस छः प्लस आठ प्लस दस, इसका योग निकालना, या ऐसे करते करते रहता 20 तक, पूछता इसका योग निकालना, ठीक। तो हम देखो अगर सब में क्या कॉमन है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, इसमें भी है, तो अगर दो कॉमन ले लेते सब में से, तो क्या बचता, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस ऐसे ऐसे करते कितना तक, 10 तक। देखो दो तो कॉमन नहीं ले, अंदर में क्या बचा है, एन तक के प्रकृत संख्या का योग, एन तक के 10 तक के प्रकृत संख्या, एक दो तीन चार, ठीक। तो प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, टू इंटू प्रकृत संख्या क्या होता है, टू आगे का प्रकृत एन इंटू एन प्लस वन बाई एन टू एन प्लस वन बाई टू, टू से टू कट जाता प्रकृत। तो अगर सम संख्या का योग पूछेगा कि सम संख्या के एन तक के सम संख्या का योग कितना होगा, तो एन इंटू एन प्लस वन, तो लिख लीजिए एन, एन सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, ठीक। तो क्वेश्चन दे देगा कि 25 सम संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालें। तो प्रथम 25 सम संख्या का होता क्या, n इंटू एन प्लस वन, ठीक। तो n इंटू एन प्लस वन, ठीक। तो n की जगह कितना होगा, 25 इंटू 25 प्लस एक, 25 गुने 26, 25 से 25, 625 में 25 जुड़ जाएगा, 650, ठीक। तो ये क्या हो गया, n सम संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। ये सब कहीं नोट करते चलिएगा, ये सब पूरा एकदम एक बार में कहीं पूछे तो एक बार में फॉर्मूला निकलना चाहिए, नहीं कि फॉर्मूला में ही हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये सब पूरा याद कर लीजिएगा, प्रकृत संख्या के, प्रकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और सम संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक। वैसे ही सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग। अब पूछेगा सम संख्याओं के एन प्रथम, एन सम संख्या के वर्गों का योग,
ठीक, ये क्या होता है अगर वर्गों का योग, ठीक, प्रकृत संख्या क्या होता था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन वाई सिक्स, ये होता था, ठीक। हमको बोला एन सम संख्या, सम संख्या में क्या कॉमन लेते थे, आगे दो, तो आगे दो कॉमन ले लेंगे तो एन प्रकृत संख्या बचेगा, तो दो से तीन कट जाता था, ठीक। तो एन सम प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई थ्री, ये होगा प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का योग, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई थ्री। कैसे, जैसे देखिए पूछता एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस, सॉरी सम संख्या ना, दो का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर, ऐसे जाता, इसमें भी दो कॉमन है, ठीक। तो दो का स्क्वायर हम लोग, दो का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो दो का स्क्वायर हम लोग सब में से निकाल लेंगे, तो बचता क्या, एक प्लस यहाँ दो का स्क्वायर बचता, प्लस यहाँ तीन का स्क्वायर प्लस यहाँ चार का स्क्वायर, ठीक। ये क्या बच गया, ये क्या आ गया, एन प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या के वर्गों का योग, तो यहाँ दो दूनी चार, प्रकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो ये दो कर देता, दो मरता भी है तीन मरता, मतलब दो बटा तीरी मतलब टू बाई थ्री एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, यहाँ टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम एन सम संख्या के वर्गों का योग टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई थ्री। टू एन क्यों, क्योंकि आगे दो का स्क्वायर सब में से कॉमन होता था, तो दो का स्क्वायर मतलब चार निकलता था, चार से छः कट जाएगा, दो ये चार से छः कटेगा कितना, दो दूनी चार और तीन दूनी छः, तो ऊपर दो बच जाएगा नीचे तीन बच जाएगा, ठीक। तो इस पे निकालिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दे देगा दस का स्क्वायर प्लस बारह का स्क्वायर प्लस चौदह का स्क्वायर करते करते बीस तक का स्क्वायर का, ठीक। तो इसका मान निकाल लें, मतलब इसका योग निकाल लें, तो हमको एक से लेकर बीस तक का पता है, ठीक। एक अगर रहता एक स्क्वायर सॉरी दो स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर प्लस छः स्क्वायर रहता, ऐसे करते करते दस स्क्वायर प्लस बारह स्क्वायर प्लस ऐसे करके बीस स्क्वायर तक रहता, तो प्रथम एन मतलब प्रथम बीस तक के, ठीक, कितना संख्या होगा बीस तक के सम संख्या, दस ही सम संख्या आएगा, ठीक, एक दो तीन ऐसे करके दस सम संख्या, तो प्रथम दस सम संख्या का योग निकाल लेंगे, उसमें से प्रथम कहां तक का, आठ तक का घटाएंगे, तो प्रथम चार सम संख्या तक का घटा देंगे, तो आ जाएगा कहां से, दस से लेके बीस तक का। देखिए करते हैं, दो से लेकर के दो स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते जाता आठ स्क्वायर प्लस दस स्क्वायर आता ऐसे ऐसे करके बीस स्क्वायर तक, ठीक। पूछा हमारा कहां से है, दस से लेके बीस तक का, दस से लेके बीस तक का, ठीक। टोटल कितना टर्म होगा, दो से लेके बीस तक का दस टर्म, दो दो का छोड़ के है, दो का दो चार छः आठ दस ऐसे कर कर बीस तक जाएंगे तो कितना बार, दस टर्म है टोटल। तो हम टोटल दस सम संख्या दस दस सम संख्या के वर्गों का योग निकाल लेंगे, तो टू इंटू दस इंटू दस प्लस एक इंटू दो गुने दस प्लस एक बट्टा थ्री, ठीक। ये कहाँ से निकाले हैं, दो से लेके बीस तक का, हमको निकालना कहाँ से, दस से लेके बीस तक का, ठीक। तो इसमें से कहाँ तक घटा देंगे, दो से लेके दस तक का, दो से लेके आठ तक का घटा देंगे, तो हमारा यही बच जाएगा ना, तो दो से आठ तक का कितना टर्म होगा, एक दो छः आठ चार टर्म, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार, तो टू इंटू चार इंटू चार प्लस एक इंटू टू गुने चार प्लस एक बट्टा तीन, ठीक। यहाँ दस दुने बीस गुने ग्यारह गुने इक्कीस बटा तीन माइनस आठ गुने पाँच गुने चार दुनी आठ एक नौ बटा तीन, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तीन से सात मरतबे और तीन से तीन मरतबे, यहाँ कितना आ जाएगा, गुना करके बीस गुने सतहत्तर माइनस
आठ पाँच 40 गुने तीन, ठीक, सात दूनी 14, सात दूनी 14 एक 15, जीरो माइनस चरतियाई 12, ठीक, घटा दीजिए 0 2 4 1 1420। ये आ गया हमारा कहाँ से लेके 10 से लेके 20 तक के वर्गों का योग, सम संख्याओं के 10 से लेके 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। तो सम संख्याओं को प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 2 × n × n+1 × 2n+1 / 3, ठीक। अब आते हैं n सम संख्याओं के घनों का योग, पूछेगा n सम संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब 2 का क्यूब + 4 का क्यूब + 8 का क्यूब, ऐसे करते करते जाएगा सम संख्या तक, जहां तक दे दे 20 का क्यूब तक दे दे, ठीक। तो n सब प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग होता है 2n² × n+1 का होल स्क्वायर। तो ये दिया 2 से लेकर 20 तक का, ठीक। तो इसका क्या होता है 2n² × n+1 का होल स्क्वायर, 2 × n, ठीक है, कहाँ तक के 20 तक के, ठीक। 20 तक में कितना संख्या है सम संख्या, 20 तक में सम संख्या कितना है, 10 सम संख्या है, 2 4 6 8 20 तक के 10 सम संख्या है। तो 10 का स्क्वायर × 10+1 का होल स्क्वायर, 2 × 100 × 10 हो गया 11 का स्क्वायर 121। इसको गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ का क्यूब का सम मिल जाएगा, ठीक। तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन सम संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग, घनों का योग, वर्गों का योग ढूंढ के क्वेश्चन बनाइएगा और देखिएगा इस पे बनता है, अगर नहीं बनता तो कमेंट में कीजिए, वो क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश किया जाएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन बना के लाइएगा या कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका मान कितना होगा, ठीक, 50 का स्क्वायर + 52 का स्क्वायर + 54 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, ठीक। तो आज यहीं रुकते हैं, कल विषम संख्या आएगा, उसके बाद अभाज्य संख्या आएगा, ठीक, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता के नियम, 2 से कौन कटेगा 3 से कौन कटेगा 7 से कौन कटेगा, ठीक। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।